नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं आपका दोस्त अमित महाजन। रोज की तरह हमारी टीम जाती है दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में और जानती है वहां के क्षेत्रवासियों से कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। क्या 5 साल आपके मुख्यमंत्री आए आपके द्वार, जानिए आपकी समस्या है। इसी बारे में जानकारी के लिए आज हमारी टीम पहुंची त्रिनगर विधानसभा के रामपुरा इलाके में और जाना वहां की जनता से कैसे रहे आपके 5 साल। प्रजापति, कहाँ पे रहते हैं? ये रामपुरा कुमार वाली गली। अच्छा, जैसा आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव अब खत्म हो गए, दिल्ली में विधानसभा के आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? मैडम अरविंद केजरीवाल। क्यों? मैडम शिक्षा का स्तर उन्होंने बहुत ऊंचा किया। हमारे लाल बिल्डिंग में मैं पढ़ा हुआ हूँ, जब हम जाते थे उसके अंदर बहुत गंदी क्लासेस, डेस्क जो टूटे हुए करते थे। क्या बदलाव नजर में आया उसके अंदर? मैडम बहुत बदलाव हो गया, अंदर जो है बहुत अच्छी फिटिंग है, डेस्क बोर्ड नए लग गए हैं, टीचर जो है वो गायब रहा करते थे, अब टीचर टाइम पे पढ़ाते, बढ़िया पढ़ाई हो रही है। और क्या क्या काम कराए उन्होंने? और जी, मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था ऑल इंडिया हॉस्पिटल, वहाँ ऐसे ट्रीटमेंट दिया गया जैसे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, बहुत बढ़िया लगा मुझे। अच्छा, अगर उन्हें इतने काम कराए तो वो लोकसभा के चुनाव क्यों हार गए? मैडम ऐसा थोड़ा सा ना, लोगों के माइंड में ये है कि जो मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा जो तबका है ना, वो ये चाहता है कि जो हमारा प्रधानमंत्री हो मोदी हो, सिर्फ मोदी को वोट पड़े। आपके कहने का मतलब ये है कि मोदी की एक लहर थी जो लोगों ने चला दी, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री के लिए अब किसकी लहर चल? मैडम केजरीवाल के, दिल्ली में तो हमारी बात होती है, सब केजरीवाल को ही चाहते हैं। अच्छा, लोकसभा के चुनाव वो हार गए, तो MCD के चुनाव के टाइम में वो क्यों नहीं जीत पाए? मैडम MCD सेंटर में गवर्नमेंट के अंडर में, इसलिए वो नहीं जीत पाए क्योंकि MCD हमारे अंडर में नहीं आते और काम भी नहीं हुए थे, तो हमारे वैसे निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से ही है लेकिन कम वोट मिले। विधायक कौन है आप? विधायक हमारे जितेंद्र सिंह तोमर आते हैं। बिल्कुल आते हैं, काम करवाया, बहुत काम किया है। लाइटें आप पूरे रोड पे देखिए, LED लाइट लगी है। जो भी गली में पानी की समस्या थी, सारी पानी की समस्या दूर हो गई। मेरी गली जो 20 साल से नहीं बनी थी, वो उन्होंने जीते ही 2 महीने के अंदर बनवा दी थी। अभी 2-4 लोगों ने तो कहा कोई काम नहीं करवाया उन्होंने, यहाँ कोई आते ही नहीं आए। आप सोमवार से मिलोगे तो 5 तो आलोचक भी मिलेंगे, 95% बंदे यही बोले काम हुआ और बहुत हुआ है। आपके हिसाब से किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? मेरे हिसाब से तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बनना चाहिए। क्यों? बहुत काम किया, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटलों में इतना काम कराया, बहुत काम करा। और जो क्षेत्रीय विधायक है उसने 4.5 साल में 450 उद्घाटन कर चुके हैं, वर्कआउट हो चुके हैं और लगातार काम जारी है उनका। अच्छा, पर काम करने का क्या फ़ायदा जब वो लोकसभा के चुनाव नहीं जीते? स्ट्रैटेजी देखो, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में, केजरीवाल दिल्ली में, तो केजरीवाल नारा चल भी गया हमारा। क्या नाम है आपका? पूरन सिंह। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं पर रहता हूँ। अच्छा, लोकसभा के चुनाव अब दिल्ली में खत्म हो गए, विधानसभा के आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? देखो, अब तो जो बन रहा है ना, वो हमारा जो पकड़ के हाथ उसका काम करा लेते हैं केजरीवाल का। आपसे झूठ क्यों बोले, ये जितना भी काम करा है केजरीवाल का, जो वो है क्या नाम है अभी बताता हूँ, तोमर, उसने ये सारा काम कराया है, हम उसका हाथ पकड़ के काम करा लेते। अच्छा, तो आते हैं इलाके में तोमर? आते हैं, जगह जगह बैठते हैं, शुक्रवार को सैनी होकर वहाँ बैठते हैं, बुधवार को वहाँ बैठते हैं। काम करवाया उन्होंने? हाँ जी हाँ, काम करवाया। ये सारा जो पक्का हुआ है ना, ये सब वहाँ तक उन्हीं का है। अच्छा, ये हमारा पानी की लाइन थी, यहाँ से पानी आता था नहीं आता था, वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट चला दिया मेन लाइन से। क्या नाम है आपका? अशोक सैनी। कहाँ पर रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में लोकसभा के चुनाव अब खत्म हो गए और विधानसभा के आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार अगर BJP की है तो केंद्र में, यहाँ पे भी राजधानी है ये, यहाँ पे भी BJP का मुख्यमंत्री रहना चाहिए। क्यों BJP? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से ही सहायता मिलती है इस राजधानी को भी, तो कहीं ना कहीं वो कंपेरिजन नहीं बनेगा, नहीं इस टाइम एक टांग खींच रहा है और दूसरा टांग खींच रहा है, सबके सब राजधानी में खींचने टांग, तो एक ही सरकार रहेगी तो कहीं ना कहीं राजधानी का अच्छा काम होगा। इस इलाके के विधायक कौन है? इस इलाके के विधायक है जितेंद्र तोमर। आते हैं इलाके अभी देखे हुए, कम से कम इलेक्शन के पहले ही देखा था, अभी नहीं देखा। अच्छा, कोई काम वगैरह करवाया उन्होंने? काम के लिए मैं कहता हुआ थक गया हूँ लेकिन काम नहीं हुआ है। क्या काम? मेरी गली जो आज बैलेंस पड़े हुए कम से कम आज 2 साल, क्या 10 साल हो गए। कौन सी गली? DDA फ्लैट की 1 नंबर गली। और क्या काम? उसके अंदर में ना तो नाली की सुविधा है, ना पानी की निकासी की सुविधा है, और वो आज तक अभी तक ऐसी पड़ी है, जाके आप अभी देखेंगे ना, उसके अंदर गली नहीं बनी, लेकिन कागजों में पता नहीं कितनी बारी गली बनी होगी वो। अच्छा, आपने उनसे बात की? मैंने 50 बारी व्हाट्सएप भेज चुका हूँ निकाल निकाल करके उनके पास, डेली भेजता हूँ, और जो इनके नीचे निगम पार्षद है उनके पास डेली भेज रहा हूँ, बस आश्वासन मिलते हैं लेकिन बस। आपका किसको बनना चाहिए अगला मुख्यमंत्री?
वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अच्छा, 5 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, उनका काम आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा जी। क्या काम करवा? जो भी काम किया बढ़िया ही किया। ये काम हुआ जो भी हुआ है बढ़िया हुआ। नाम है अंकल जी आपका? राजेंद्र प्रसाद। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं रामपुर में। अच्छा, लोकसभा के चुनाव अब खत्म हो गए, दिल्ली में विधानसभा के आने वाले, तो आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? शायद मुख्यमंत्री अब तो केजरीवाल है ये, तो आने वाले समय में। अच्छा, वही सही है। तो क्या 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 काम कराया? काम तो सही करवाए, पर ये फैक्ट्री वैक्ट्री जो ये पता नहीं, कोई कह रहा केजरीवाल के काम है, कोई कह रहा इनके काम है। अच्छा, तो आपको कैसा लगा उनका काम? पिछले 5 साल से लगभग उनकी सरकार चल रही है, क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसा लगा? काम तो सही है सारे। अच्छा, विधायक कौन है आप? विधायक का क्या नाम है इसका, ये तोमर जो है। आते हैं इलाके में? हाँ। कोई काम करवाया उन्होंने आपके? सही कर रहे हैं तोमर साहब। क्या नाम है आपका? दुकानदार की बात करते हैं ना, दुकानदार के ना, तो दुकानदार तो बैठे उधर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु है। अच्छा, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले, तो आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? वो जब आने वाला है तब आएगी, अभी क्या क्या पता चले कौन बनेगी नहीं बनेगी। जब 5 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, क्या क्या काम कराए उन्होंने? हम लोग के लिए तो कुछ नहीं किया है, कहता पानी बिजली माफ़ करूंगा, ये करूंगा, वो तो मकानों पर वो कहते हैं मैंने अस्पतालों में काम कराए या छोटे मोटे इलाकों में काम कराए, कोई करवाया आपको नज़र में आया? नहीं, हमें नज़र में कोई नहीं आया। विधायक कौन है यहाँ? कहाँ का? यहाँ के विधायक तो केजरीवाल है। अंकल जी आपका? श्रीचंद सैनी। कहाँ पे रहते हैं आप? रामपुरे के अंदर। अच्छा, लोकसभा के चुनाव अब खत्म हो गए, दिल्ली में विधानसभा के आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? किसे बनना है ये तो जनता बताएगी, हम क्या बता सकते हैं। अच्छा, आप भी तो जनता में ही आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम बता सकते। अच्छा, पिछले 5 साल से लगभग अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, उनके क्या क्या काम कराए उन्होंने? काम तो सभी हो रहे हैं जो चला करना चाहिए उनको। क्या क्या काम कराए? कोई काम कराए आपके क्षेत्र में? कोई काम हुआ यहाँ पर? अभी सीवर लाइन डली है, कोई डला है, सड़कें बनती हैं, तो सभी हो रहा है काम। अच्छा, विधायक कौन है आप? विधायक हमारा वो है तोमर। आते हैं इलाके में? हाँ, जब उनको ये नाड़ी हुआ काम कराना तो जब तो आते ही हैं। अच्छा, वैसे को भी मीटिंग वगैरह में कभी कोई जो बुलाते हैं आते हैं। बलबीर खारे। कहाँ पे रहते हैं आप? रामपुरा। अच्छा, जैसा आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव अब खत्म हो गए, विधानसभा के आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री केजरीवाल ही होना चाहिए कायदे में तो। क्यों? अच्छा काम कर रहा है ये। क्या क्या काम कर रहा है? ना बहुत काम करवाए हैं यहाँ पे, जैसे दिल्ली के अंदर, ये तो बीच में पिस रहा है, जुन ऊपर भी बीजेपी नीचे भी बीजेपी। अच्छा, इतने काम कराए तो वो लोकसभा के चुनाव क्यों हारे? वो तो मशीन का कमाल है। क्या काम हुआ मशीन के अंदर? क्या क्या पूछा आपने? क्या काम हुआ इलेक्शन के दौरान जो वोट ना मिल पाए उनको? वोट तो मिली थी, लेकिन वो मशीन के जरिए दूसरे पर चलेगी। विधायक कौन है यहाँ का? वो है तुम्हारा क्या, जितेंद्र तोमर। आते हैं इलाके में? आते हैं, महीने दो महीने के अंदर राउंड लगाते हैं, 6 महीने में भी आ जाते हैं। आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? नहीं, सही बात है, बीजेपी नहीं आनी चाहिए ना कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों क्यों? देखो सेंट्रल में मोदी आना था, आ गया, वो गुड है, बहुत अच्छा है। दिल्ली के लिए मोदी अच्छा नहीं है। तो अब दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री किसे और चाहिए? जो बीजेपी में MCD जानते हैं ना, 15 साल से भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट ही रहेगी। विधायक आते हैं यहाँ पे? आते हैं, तोमर आता है। तोमर ने काम कराया है, आम आदमी ने काम कराया है। मैम बहुत काम करा उन्होंने, तो क्या नहीं करा आज तक, हमने देखा नहीं बीजेपी और कांग्रेस ने क्या काम करा वहाँ पे। अच्छा, अगर विधायक को या अरविंद केजरीवाल को 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर? 10 में से 9 नंबर देंगे हम तो। अच्छा, जैसा आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव अब खत्म हो गए, दिल्ली में विधानसभा के आने वाले, तो आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? इस बार भी बीजेपी ही आएगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अब लोकसभा में उनका राज है, अगर राज्य विधानसभा में भी उनका रहेगा तो फिर पब्लिक को थोड़ी फैसिलिटी मिलेगी। पिछले 5 साल से लगभग 5 साल हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, उनका काम कैसा लगा? उनका काम ठीक है पर स्लो है थोड़ा। क्या क्या काम रह गए या क्या क्या काम हो गए? अब तो बेचारे गरीब आदमी है, वो थोड़ा थोड़ा तो लगे ही हुए हैं ना उसमें, ऐसी कौन सी बात। अच्छा, विधायक कौन है आपके? ये है जितेंद्र सिंह तोमर। आते हैं इलाके में? यहाँ पे तो आते हैं। नहीं, बस पोस्टर ज़्यादा लगे होते हैं कि मैंने ये कराया वो करवाया, वो तो सब ये लगाते हैं आप वाले, इतनी एड वैड तो करते रहते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? नरेश गोयल। कहाँ पे रहते हैं आप? ये
रामपुरा। तो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो किसे बनना चाहिए मुख्यमंत्री? इसको कौन कौन है? आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का? नहीं बताओ ना मुख्यमंत्री, वो तो जो होगा तो बड़ी आदमी होगा। अच्छा, पिछले 5 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, उनका काम कैसा? इलाके में तो काम कर रहा है, अब दूसरे इलाके का। अच्छा, MLA कौन है यहाँ का? जितेंद्र सिंह तोमर है। और उससे नीचे नगर निगम का? आते हैं इलाके में काम करवाने। तो खूब आता है, वो तो फोन पे बात भी करते हैं। वो हमारा जो कोई शिकायत करता है कर देता पूरा।